पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान मंगलवार को 2 दिन के दौरे पर श्रीलंका पहुंच रही हैं। हालांकि इस दौरे के पहले ही उन्हें गोटबाया राजपक्षे की सरकार ने बहुत बड़ा कूटनीतिक झटका दिया है। इमरान अब श्रीलंकाई संसद को संबोधित नहीं कर पाएंगे। अब आपको बताते हैं कि इसके पीछे के क्या कारण हैं, क्यों उठाया गया ये कदम। राजपक्षे ने एक कदम भारत की नाराजगी से बचने के लिए उठाया है। एक हफ्ते पहले जब इमरान के श्रीलंका दौरे का शेड्यूल तय किया गया था, इसमें संसद में भाषण का कार्यक्रम था। बाद में राजपक्षे सरकार को लगा कि इमरान कश्मीर का जिक्र कर सकते हैं, लिहाजा स्पीच को शेड्यूल से ही हटा दिया गया। कोलंबो के अखबार में आर्टिकल। दरअसल श्रीलंका के अखबार कोलंबो गैजेट में पाकिस्तान के एक्सपर्ट डार जावेद का आर्टिकल पब्लिश हुआ, जिसमें डार ने लिखा था, बहुत साफ बात यह है कि श्रीलंका भारत की नाराजगी का जोखिम नहीं ले सकता। वह पहले ही चीन के कर्ज में उलझा है और भारत वैक्सीन समेत हर मोर्चे पर उसकी मदद कर रहा है। इमरान ने तालिबान का समर्थन किया था। 2012 में इमरान ने तालिबान का समर्थन करते हुए कहा था कि वो एक पवित्र युद्ध लड़ रहा है और इस्लाम में ये जायज है। यूनाइटेड नेशंस में उन्होंने मुस्लिमों का मुद्दा उठाया। श्रीलंका सरकार को आशंका थी कि इमरान उनकी संसद का इस्तेमाल अपने एजेंडे के लिए कर सकते हैं। राजपक्षे की मजबूरी। गोटबाया राजपक्षे राष्ट्रपति और महिंदा राजपक्षे प्रधानमंत्री हैं। दोनों भाई हैं और बौद्ध समुदाय से आते हैं। वे जानते हैं कि अगर इमरान ने संसद में भाषण के दौरान इस्लामिक मामले उठाए तो श्रीलंका में भी इसके गंभीर नतीजे हो सकते हैं। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर।